बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी में मुझे क्या बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बनाना है बीफ विथ ये भिंडियों के साथ, लेडी फिंगर के साथ। तो मैंने क्या किया, पहले बहुत अच्छे से इसको वॉश किया, फिर इसको हाफ हाफ कट किया। इसलिए कट किया कि इसके अंदर कोई भी कीड़े हो तो वो नज़र आ जाए। और मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगी, अभी मैं इसको बताऊंगी आपको मुझे कैसे बनाना है। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, पैन में मैं देखी में मैं तेल डाल रही हूँ 6 से 7 स्पून, मुझे अंदाजे से मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही तेल गर्म हो रहा है मैं इसमें, मैंने एक प्याज काट के रखी थी स्लाइस में, ये देखिए ये मैंने डाल लूँगी और इसको फ्राई करूँगी, मगर फुल ब्राउन नहीं करूँगी, जैसे कहते हैं ना पिंक कलर आ जाता है उस तरह से करूँगी। तो प्याज फ्राई होने में तो टाइम लगता है, और एक टमाटर काट के रखा है। फर्दर मुझे क्या स्टेप लेना है वो मैं बताऊँगी। और इस मैंने क्या किया कि मैंने यानी गोश्त गलने में देर लगता है तो मैंने गोश्त को गला के रख लिया ताकि बनाने में मुझे आसानी हो जाए। तो ये भी बना के रख लिया मैंने गोश्त गला के, ताकि ये पकाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर सकूं। अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, प्याज जैसे ही हाफ डन हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो गर्मियों का सीज़न है, सब्जियाँ खाने में बहुत मज़ा आता है, आप भी ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए। और हमेशा की तरह मैं कहूँगी खाना हमेशा दिल से बनाए इंसान, जिसमें प्यार भी हो, मोहब्बत भी हो और जायका भी तो आ ही जाता है जब हम अपने बच्चों के लिए प्यार मोहम्मद से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान करके शुरू करते हैं तो खाने में अल्लाह बरकत भी देता है और जायका भी देता है। अब ये देखिए मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बिटवीन आपको दिखाती हूँ कि मैं भिंडियाँ भी फ्राई करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें प्याज फ्राई हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस इतना रखना है कि प्याज जो है अपना कलर चेंज कर लेती है और थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, ताकि इसको जब हम गोश्त में भुनेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने गोश्त जो उबाला था उसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो अब मैं इसमें एक चम्मच और डाल दे रही हूँ, यानी कि 1/4 चम्मच बस ये डाल दिया मैंने इसमें। और ये जो मैंने टमाटर काट के रखा था ये डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से भुन जाए इसके साथ साथ। इसको मैं अभी ज़रा ढक्कन लगा दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मुझे इसमें क्या क्या मसाले डाल दें। अब ये देखिए टमाटर मैंने भूनने के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि स्टीम में थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी, और सब्जी के साथ जब गोश्त को सब्जी के साथ बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसके साथ मुझे क्या क्या डालना है, ये एक चम्मच मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई डाल दी, जरा सी और डाल दी, ठीक है, थोड़े से कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी एक चम्मच। तब आपके सामने सब मसाले डाल रही हूँ, ये जीरा पिसा हुआ क्यूमिन पाउडर है, ठीक है ये मैंने डाल दिया। अच्छा ये गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दूँगी, गरम मसाला ज़रा ज़्यादा नहीं डाल दूँगी, ठीक है। और ये हल्दी, हल्दी तो सालन की जान के हैं, इसको कुछ रंग बनाने में बहुत काम आती है और फायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। और ये धनिया पाउडर एक चम्मच डाल दिया। अच्छा और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने टमाटर भी काट के डाला है और ये टमाटो पेस्ट है, ठीक है ये भी मैं 1 चम्मच डालूँगी, इससे क्या होगा बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी ताकि मेरे मसाले जो है वो जले नहीं। अब मैं इसको 5 मिनट भून के फिर इसमें गोश्त में डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मसाला भून रहा है बहुत अच्छे से, मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि प्याज और टमाटर सब इसमें गल जाए। इन बिटवीन मैंने क्या किया कि फ्राई पैन में तेल डाल के मैंने रख दिया, क्योंकि मैं जब भिंडी गोश्त बनाती हूँ तो भिंडी को फ्राई करके डालती हूँ, इसलिए कि इसमें लेस होती है, वो लेस निकल जाएगी। ये देखिए हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि ये अच्छे उसकी लेस ख़त्म हो जाए। और फिर इन बिटवीन अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ये जो गोश्त मैंने उबाल के रखा हुआ था बना के गला के वो मैं इसमें मिला रही हूँ, ठीक है, ताकि इसमें थोड़ा सा गोश्त गल जाए, 15 मिनट तक ये गोश्त गल जाए, इसके मसालों में रच बस जाए, तो फिर मैं ये भिंडी डालूँ, क्योंकि भिंडी डालने के बाद आप पानी नहीं डालेंगे, सब्ज़ी है, सब्ज़ी तो आप ऐसे ही बनाते हैं। अभी ये देखिए भिंडी फ्राई हो रही है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब ये देखिए मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ, ऑयल डालते मगर इसमें कोई मसाला नहीं डाला है, ठीक है। ये भिंडी फ्राई कर रही हूँ और मैं नमक नहीं डाला थी सालन में, मैं आपके सामने नमक डाल रही हूँ। ये देखिए ये मुझे अंदाजा है इसे स्पून से कि जब तक ये देखिए गोश्त मेरा मतलब 90% पका हुआ है, 10% जो मुझे करना है जब मैं ये भिंडिया डालूंगी, तो भिंडिया करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। भिंडिया फ्राई कर रही हूँ, इसमें कोई मसाला नहीं है, बस इसका जो लेस होती है जो इसकी चिकनाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से, और सालन में बहुत मज़ा भी आता है, बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मैं देखिए आपके सामने ये फ्राई कर रही हूँ, आप भी जब भी बनाइएगा तो ज़रूर इसी तरह से फ्राई करके, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी मोहब्बत ये आपका प्यार है, और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता चले कि मैंने किस तरह से हर स्टेप में कैसे क्या कुछ किया है। तो ये आपके फिर आप जब सालन बनाएंगे जब ये डिश बनाएंगे तो आपको पता होगा कि हमने क्या क्या चीज़ें डाली इसमें, क्या क्या मसाले डाले, किस किस स्टेप पर डाले। ये देखिए भिंडिया मेरी फ्राई हो रही है, 2 मिनट और लगेंगे फिर मैं इसको आपके सामने ही गोश्त में डालूंगी। अब ये देखिए भिंडिया फ्राई हो चुकी हैं और गोश्त में जो मैंने पानी डाला था वो भी उबल गया है, ठीक है। ये खाने इसके साथ अब मैं गोश्त गला हुआ इसी में मैं भिंडिया आपके सामने डालती हूँ, और भिंडिया इसी मसाले में और इसी पानी और इसी गोश्त के अंदर फिर पक जाएंगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने भिंडियों को फ्राई कर लिया, अब मैंने इसमें गोश्त के साथ डाल दिया। अब ये 15 से 20 मिनट लगेंगे, सब्जी में तो देर नहीं लगती है। फिर मैं देखिए 1-2 हाथ 2 चम्मच लगाने के बाद मैं ढक्कन लगा रही हूँ आपके सामने और उसको पकाऊंगी। जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बनाया तो ये कितने मज़ेदार बने हैं। अब देखिए मैं बना रही थी इसे, अब मैं आपके सामने इसको ओपन करती हूँ, रोगन ऊपर आ जाए तो समझे सालन तैयार है। कितना खुशबू और कितनी अच्छे खुशरंग सालन बना है आप इसे देख रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगी इसमें, बस ये 3 मिर्चें हरी हैं वो मैं ऐसे ही इसमें डालूँगी ताकि इसमें खुशबू आए, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और मैं आपके सामने इसको चला के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा सालन और कितना खुशरंग सालन, जो मसाला जो पानी मैंने गोश्त में डाला था बस, और उसके साथ ही मैंने क्या किया भिंडी फ्राई करके डाल दी, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ज़रूर बनाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि खाना दिल से पकाइए, मोहब्बत से प्यार से अपने बच्चों को बना के खिलाइए, और सीज़न का जो भी सब्ज़ी हो जो भी सब्जियां हो चाहे वो बच्चे खाते हो ना खाते हो आप डिफरेंट स्टाइल से बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हाँ ये खाना मज़ेदार है तो वो खाएंगे। तो ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो, अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियां दे। त्यौहार है आ रहा है, बकरीद का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, तो इंशाल्लाह 2-4 डिशें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो मैंने 3-4 तरह की तो आपको चटनी अचार बता दिया, वेनेगर का कैरी के मैंने हर चीज़ बना के दिखाई है। अब मैंने ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छा मैंने हल्की आंच में रखा था, शुरू में मैंने 15 मिनट तेज़ आंच में बनाया और आखिर में मैंने 15 मिनट मैंने हल्की आंच कर दी ताकि इसके रोगन ऊपर आ जाए। सालन तैयार है और इसी तरह बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जब ये बनाया तो आपको ये कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।